हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविन दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट यूके ट्रैवल के बारे में कि आप लोग यूके कैसे ट्रैवल कर सकते हो। तो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्या पूरा प्रोसेस है, लेटेस्ट अभी कोई गया है तो उसका भी मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। तो भाई, सबसे पहले देखो, अभी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं यूके की। काफ़ी सारे लोगों को रोका जा रहा है, वर्क परमिट वाले भी मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी वाले भी। मैं शौक हूँ यार कि वर्क परमिट वालों को भी रोक रहे हैं, स्टडी वालों को भी रोक रहे हैं, टूरिस्ट वालों को भी रोक रहे हैं। रोका भी जा रहा है यार, जाने वाले जा भी रहे हैं। तो ये सीन क्या है पूरा देखो भाई। अभी रिसेंटली आप देख सकते हो कि ये स्टैम्प है यूके की, और ये भाई साहब पहुँचे हैं अभी 18 तारीख को ही पहुँचे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, 18 तारीख को ये पहुंचे। तो ये कैसे गए, कैसे इन्होंने ट्रैवल किया और क्या इसका पूरा प्रोसेस था, वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो भाई, आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए। वैलिड वीज़ा जो आपको, आपने रिसीव किया है VFS से। वैलिड वीज़ा देखो, आप किससे डील कर रहे हो, सबसे पहले तो आप एजेंट से डील कर रहे हो, आप डायरेक्ट डील कर रहे हो। अगर आपने अपना वीज़ा, जैसे ये इनके वीज़ा पे स्टैंप लगती है, जो भी जब भी आप यूके जाते हो तो यूके में वीज़ा के ऊपर ही स्टैंप लगाते हैं, जैसे इस पे लगी हुई है ये वाली, और ये वीज़ा का ही है। तो ये वीज़ा पे जब स्टैंप लगती है, तो ये वीज़ा जब आप रिसीव करते हो तो कहाँ से रिसीव करते हो, VFS से। अगर VFS से आपने डायरेक्ट रिसीव किया है, दैट मीन्स आपका 110% ये वीज़ा ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एजेंट से रिसीव करते हो ये वीज़ा, तो डेफिनेटली इट कैन बी ए प्रॉब्लम, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, है ना। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। आप कोशिश करो कि भाई आप डायरेक्ट इसको रिसीव करो, अपने एड्रेस पे करो, वहाँ जाके करो, या कैसे भी करो कि खुद ही इसको रिसीव करो, ताकि जो ये तो श्योरिटी कम से कम आपकी रहेगी कि भाई आपका वीज़ा ओरिजिनल है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, मैं बोलना चाहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे बंदों के कई मैसेजेस आ रहे हैं और इश्यूज़ ये हैं कि भाई हमें रोक लिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। तो भाई, यूके के वीज़ा की इन्फॉर्मेशन भी आप ऑफिशियल सोर्स से ले सकते हो। वो ऑफिशियल सोर्स भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि कैसे आप लोग कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएंगी। आप उसको एज अ प्रूफ लेके रखो साथ में, और उसके साथ आप ट्रैवल करो। अब सबसे पहले तो आपके पास ये वीज़ा, दूसरी चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। सेम एयरलाइन की हो तो वेल एंड गुड है, और सेम PNR पे तो और भी अच्छा। ये क्या करता है कि जब आप बोर्डिंग पास लेने जाते हैं, अगर आपका सेम PNR पे है, तो उनको ऑटोमेटिकली शो कर देता है टिकट, आपको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती कि रिटर्न टिकट है, वो PNR से शो कर देता है उनको। एंड ऑलमोस्ट 70-80% आपका जो डाउट्स है, उनका जो डाउट है, वो वहीं पे क्लियर हो जाता है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़, आपके वीज़ा में क्या इश्यूज़ हैं, ये जो काफ़ी सारे लोगों को रोका जा रहा है, ये क्यों रोका जा रहा है, क्या आप लोगों ने डायरेक्टली खुद रिसीव किया था। सबसे पहली चीज़ तो ये है, मेरा क्वेश्चन है ये आप लोगों से, क्या आपने खुद रिसीव किया है ये वीज़ा। अगर आपने रिसीव किया है तो फिर आपको नहीं रोकना चाहिए बिल्कुल भी। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, देखो वर्क परमिट पे आप जा रहे हैं तो आपके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, है कि नहीं, जो कंपनी आपको वर्क परमिट दिला रही है उसके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अकोमोडेशन का लेटर रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेटर रहेगा, जॉइनिंग लेटर रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी, आप वो दिखाओ उनको, राइट। तो अगर इंग्लैंड आप जा रहे हैं, वर्क परमिट पे जा रहे हैं, तो कंपनी की डिटेल तो होगी ना आपके पास, तो वो आप दिखाओ। अब स्टडी वाले की बात है, स्टडी पे आप जा रहे हो, स्टडी पे आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है, कितना कौन सा आपका कोर्स है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड, क्या आपके पास वहाँ का एडमिशन लेटर है, या फिर यूनिवर्सिटी का कोई जॉइनिंग लेटर है, या जिस जहाँ पे आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करेंगे, क्या वो आपके पास है। तो ऐसे कई सवाल हैं भाई मेरे भी आप लोगों से। तो जो लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपके पास क्या क्या था, किस रीज़न से आपको ये मना किया गया, और उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ जरूर बताना, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं भाई। तो रिसेंटली इन्होंने ट्रैवल किया, इन्होंने कैसे ट्रैवल किया भाई, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, और इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे,
जो कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है भाई, किसी भी कंट्री में जाओगे आपको आपको हर डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए हर कंट्री के लिए, और ऐसे इनके पास थे। हाँ थोड़ा सा उनसे क्वेश्चन करा कि भाई आप क्या कहाँ घूमोगे, कौन से होटल में रुकोगे, कहाँ कहाँ पे आपने ट्रैवल करना है, ये उनसे पूछा। देन सर इजीली इनसे जी बात हुई। अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो बिजी हैं, तो आप लोग जो भी ट्रैवल करने वाले हो या जिनको इन फ्यूचर ट्रैवल करना है या फिर वीज़ा भी लेना है, तो भाई सबसे बढ़िया यही है, आप ऐसे एजेंट से कांटेक्ट करो जो खुद आपका एड्रेस डाले VFS में, आप ही उसको रिसीव करो। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि खुद आप ही रिसीव करो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे। VFS का ट्रे का जो पूरा स्लिप होती है जब आप सबमिशन के लिए जाते हैं वो आपके पास है, जब आप रिसीव करते हो तो आपको पूरा पैकेट होता है वो भी आपके पास है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकती जेन्युइन चीज़, वो अपने पास रखो। आप जिस पर्पज़ से आप जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट, जैसे ट्रैवल किसी पर्पज़ से जा रहे हैं तो ट्रैवल के होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट और जो भी और भी डॉक्यूमेंट है तो वो अपने पास रखो। अगर वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो भाई कंपनी के डॉक्यूमेंट, कंपनी का अकोमोडेशन लेटर, ये सारे लेटर ये आपके पास होने चाहिए। इन सारे लेटर्स को जब भी आप रखेंगे, या फिर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो स्टडी वाले डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिटर्न टिकट इफ़ यू ट्रैवलिंग ऑन टूरिस्ट इंटरनेशनल वीज़ा। ट्रैवल से रिलेटेड आपको इमिग्रेशन या फिर वीज़ा, फ्लाइट, पूरा कितना खर्चा आता है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, यहाँ पे लोग आके एक्सपीरियंस खुद शेयर करते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा इमिग्रेशन का, कैसे उन्होंने ट्रैवल किया, कितने बजट में किया, क्या कॉस्ट थी एयरलाइन की और कैसे बोर्डिंग पास लिया, तो सारी चीज़ें लोग यहाँ पर शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ। तो भाई इस चैनल पे जो भी अगर कोई नया है तो उसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी ट्रैवल कर सके। तो ये थी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट, होपफुली मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।